The name's Bond. James Bond. रुक जाए, get out Polandi. मौले नू मौला ना मारे, ते मौला नहीं मरता. संगारा का जंगल चीफ. सुनो सुनो, देखो मैं तुम्हें एक मर्तबा फिर कह रहा हूँ कि तुम लोग वहाँ वैसे ही जा रहे हो. वहाँ जाने का तुम्हें कोई फायदा नहीं. सुदी का कजन? Yes, sir. इस नाम की भी कोई चीज होती है? जी सर. एक सर, उसका नाम है सर मुदा मिसाइल. दो लोग इस तरफ जाएंगे, दो लोग उस तरफ जाएंगे, और पहले जिसे अंगूठी या गार या वो पत्थर जिसके नीचे अंगूठी है मिल जाए वो चीख मार दे. जटन बॉन्ड अब कभी घर वापस नहीं जाएंगे. है? क्या मतलब? मतलब ये कि जो तावीज जटन बॉन्ड की हिफाजत करता है उसका असर 2-3 घंटों में खत्म होने वाला है. Oh my God! चाची अंगूठी मिल गई. शूटिंग के बाद गोलियां कौन चला रहा है? उल्टे मिसाइल की तरफ से आप सबको जी आयन. बॉन्ड मैप कहाँ है? वो तुम्हें नहीं दिया था मैंने? नहीं. तो लगता है फिर गिर गया है. क्या? जट एंड बॉन्ड की मौत बहुत नजदीक है आका. वेरी क्लोज. नॉट सो क्लोज. जाओ मरने से पहले एक अंगूठी और सही. ये क्यों हो रहा है? ये तो हमारी तरफ आ रही है. चाची कम ऑन, माना कि जंगल में तुम्हारे अलावा भी कोई हसीन लड़की है, इसमें जेलसी से बेहोश होने वाली क्या बात है? ओए बॉन्ड साहब आप तो चुप करें. जटी ओ जटी होश में, मरना तुझे मैं बॉन्ड की जुराबें सुखा दूंगा. उठ. ये थोड़ी देर बाद होश में आ जाएगी. ओ चट साहब, ये आपकी आवाज को क्या हो गया? वो ये आवाज यहाँ से नहीं वहाँ से आ रही है. ओ आप कौन है? मेरा नाम परी परवीन है. मगर आप आई कहाँ से हैं? मैं इस अंगूठी से निकली हूँ. इस अंगूठी में से इतनी हसीन लड़की? पहले पता था 4-5 और ढूंढ लेता मैं. ओहो, आप चाहती क्या है? मैं यहाँ आई नहीं, बुलाए गई हूँ मेरे मोहसिन. ये हम तीनों में से मोहसिन कौन है? मैं जी आका, आका, जी आका, आका मैं पहुंच रहा हूँ. आका, आका आपने मुझे क्या चीज पकड़ा दी आका? इससे मेरे फ्लाइंग कारपेट का मुवासलाती निजाम खराब हो रहा है आका. जी आका मैं चल रहा हूँ. दुराने परवाज मोबाइल का इस्तेमाल सख्त मना है आका. जी जी आका जी. ओ जी पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रही. आप परेशान ना हो. अब आ रही है तुम्हारी मौत. ये तो परी परवीन है. दस साहब ये आप क्या कर रहे हैं? बम बना रहा. अच्छा आइडिया, मानना पड़ेगा. क्या मतलब के बमों की दुनिया में नया आइडिया है? अगर बंदा खा के हैजे से ना मरे तो बम के फटने से तो मर ही जाएगा. पास एक्टर, आपका भी सेंस ऑफ फनी बड़ा ही ह्यूमर है. और आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत फनी है. जी शुक्रिया शुक्रिया. वैसे आपने ये गंद क्यों मचाया हुआ? डॉक्टर इविल के लिए. नहीं नहीं, आपको गलत फहमी है. माना के डॉक्टर इविल साल में एक आध दफा ही नहाते हैं, लेकिन इसको सीरियसली तो ना लेना. ओ जी सीरियसली तो आज तक मैंने अपने आप को कभी नहीं लिया. लगता है इसीलिए यहाँ पे है ना. क्या मतलब है? और मैंने कहा ना था? नहीं है? आप तरबूज का बता रहे थे. हाँ तरबूज मैं इसलिए यहाँ ला के काट रहा था ताकि डॉक्टर इविल को खिला सके और उनका गुस्सा थोड़ा सा ठंडा हो जाए. वो क्यों? एक तो हर वक्त वो गुस्से की CD-70 पर दंतराते फिरते हैं. थोड़ा सा तरबूज खाएंगे ना तो गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा. गुड आइडिया. वैसे साहब अभी हैं कहाँ पे? वो जटन बॉन्ड का इंतजार कर रहे हैं. जामन जिन उन्हें
मक्खियों की तरह पकड़ के लाए और डॉक्टर ईवल उनका तड़ाका बचा देगा। क्रिच, क्रिच, क्रिच। नहीं, नहीं, इस तरह नहीं, पहले उनको रस्सियों से बांधेंगे, फिर उन पे कोड़े बरसाएंगे और फिर डॉक्टर ईवल उनसे कहेंगे, तुम दोनों आइंदा कभी मेरे पीछे आओगे, और वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं। ये मेरी आवाज थी, बड़ी गूंज रही है, लगता है डॉल्बी साउंड सिस्टम लगवाया हुआ है पिसलियों के पीछे। तो डॉक्टर ईवल की आवाज है, उन्हें क्या हुआ? नहीं 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 नहीं, तुम तो जिन हो ही नहीं, तुम तो जिन ही नहीं हो। क्या ये जिन नहीं है? क्या तुम जिन नहीं हो? इसका मतलब है तुम पिछले 3 एपिसोड से हमें बेवकूफ बना रहे थे, तुम हमारे ख्वाबों से, हमारे जज्बात से खेल रहे थे, तुम्हें लम्हा भर भी शर्म ना आई? शर्म ना आई? शर्म ना आई? आका, ये क्या है आका? ये तुम क्या कर रहे हो? सर, ये जिन नहीं है सर। भाई ये जिन ही है, मैं इसका मजाक उड़ा रहा था। जिन भाई, वेरी सॉरी, वो जो था ना। सेक्रेटरी, सॉरी क्यों मांग रहे हो? वो दरअसल छोटी सी गलत फहमी होगी ना, मिसअंडरस्टैंडिंग, तो मैंने 2-3 चिपड़े लगा दी भाई को। कुछ नहीं होता, कम से कम इतना तो कह सकते हो, आज एक जिन को रैप ठेकरा दिए। ओ भाई, मुझे तो अभी तक समझ नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं। आका, आप मेरा यकीन कीजिए, वो परी परवीन ही थी। हुआ क्या सर? ओहो भाई, होना क्या था, ये जब जटन बॉन्ड के पास पहुंचा ना, तो वहां पे कोकाफ का इसका पुराना प्यार परी परवीन बैठी हुई थी, इसलिए ये खाली हाथ वापस आ गया। फिर से? हाँ, फिर से खाली हाथ वापस आ गया। गलती माफ आका, मगर मैं भोकला गया था। तो बेटे, मैंने कहा था जिन बनो, हैं? ये जो बुखलाने वाली फैसिलिटी है ना, सिर्फ इंसानों में होती है, या बुखला जाओ या जिन बन जाओ, एक चीज हो सकती है। मगर मुझे ये समझ नहीं आ रही आका, कि वो परी परवीन वहां पहुंची कैसे? ये कैसा जिन्न, रोना शुरू हो गया, चुप करो, शर्म नहीं आती तुम्हें? हमने तो कहानियों में सिर्फ परियों का सुना था। और मैंने भी अपने पास सिर्फ कहानियों में ही। मेरा यकीन करें, मैं परी परवीन हूँ। अच्छा चलो, अपने पैर दिखाओ। जी। ओ माँ, क्या हो गया, चुड़ैल नहीं है, परी है। ओ, क्या हो गया तुम्हें? मुझे पैर तो देख रहे थे, उसके पैर पुठे ना हो कहीं। पर हम आपको कैसे यकीन कर लें कि आप परी परवीन है? मेरा यकीन करें, मैं इस अंगूठी में कैद थी और मुझ पे बस एक शर्त थी कि जब तक कोई अंगूठी नहीं पहनेगा, मैं इसे बाहर नहीं निकल सकती। और जब आपने अंगूठी पहन ली तो मैं आजाद हो गई। मतलब? मतलब ये कि आप मेरी मोहसिन हैं, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। डैम, ये अंगूठी मैंने क्यों नहीं पहनी? क्या? कुछ नहीं, मगर पीर साहब ने तो कहा था कि इस अंगूठी में हमारी मुश्किलों का हल है। तो ठीक ही तो कहा था, मेरी मुश्किल तो हल हो गई। पीर साहब ने ख्वाहिशों की नहीं, मुश्किलों की बात की है। मगर मैं कुछ समझी नहीं, कैसी मुश्किलें? ओ जी, मैं आपको समझाता हूँ। ओ जी, हमारा एक दुश्मन है डॉक्टर ईवल। ओ जी, पहले तो वो फोका सा होता था, हम उसको पकड़ भी लेते थे। ओ जी, मगर अब उसके पास एक जिन्न आ गया। और जी, जब से वो जिन्न आया, तब से वो हमारे पे उड़ के अटैक कर रहा है। आपका मतलब है उड़न खटोले पे? ओहो जी, अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करें। ओ जी, मैं यामा हाफ लाइंग कारपेट 2000 सीरीज की बात कर रहा हूँ। खैर, आप हमारी क्या मदद कर सकती हैं? आप जो कहें, और जहाँ तक उड़ने का मसला है, वो तो मैं आपको उड़ा दूंगी। ओह, उड़ा तो आपने कब कर दिया। पीर साहब ने हमें इसलिए इस अंगूठी तक भेजा था कि ये हमारी मदद करेगी। आप लोगों ने मेरी मदद की है, आप जो कहेंगे वो मैं करूंगी। सची? शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया परी परवीन, ये तो आपकी मोहब्बत है ना, कि मोहब्बत, मोहब्बत का नाम ना लीजिएगा, मेरी जिंदगी से मोहब्बत का सफर फट चुका है। तो मैं अब क्या जाऊं यहाँ से? क्यों, क्या हुआ था पुत्री? मुझे एक दफा को काफ में मोहब्बत हो गई थी। सिर्फ एक दफा? कंटिन्यू प्लीज। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, हमारे खानदान वाले आपस में दुश्मन थे, उन्हें जब हमारी मोहब्बत का पता चला तो उन्होंने उसे कोकाफ से निकाल दिया और मुझे सजा के तौर पर इस अंगूठी में कैद कर दिया। मगर वो था कौन? मेरे ख्वाबों का शहजादा, मेरा जामिन।
वाह वाह, पहले उड़न कालीन, फिर तावीज, फिर अंगूठी, फिर जिन, और अब ये परी। जी चीफ। मेरे चंदा, ये 5 फिल्मों से इकट्ठे ही आइडियाज उठा लिया तुमने। माना कि पाकिस्तान में कॉपीराइट नहीं है, मगर कुछ तो ख्याल करो यार। मगर चीफ, मैंने तुम्हें किस काम भेजा था और तुम किस काम निकल पड़े? अगर हाई कमान ने मुझसे रिपोर्ट मांग ली तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? जिन और परियों की कहानियां सुनाऊंगा? मगर चीफ, ये कहानी नहीं, ये हकीकत है। बड़ी ही फारिग हकीकत है ये। मगर चीफ, आप हमें बताएं, हम क्या कर सकते हैं? इस सवाल में खुदकुशी का ऑप्शन है चीफ, शर्म से डूबने की। जी नहीं। फिर जो मर्जी करो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मगर चीफ, अगर हम आपसे ना पूछें तो फिर किससे पूछें? उस बॉन्ड से पूछो जो हर चीज का मास्टर बना फिरता है। आका, मगर आप मेरा भी तो कुछ सोचे। भाई, मैंने ठेका लिया हुआ तुम्हारे, नहीं मेरा मतलब है कि मैं असल में तुम्हारे बारे में ही तो सोच रहा हूँ इतनी देर से। हाँ जामन, तुम्हारी परी उन लोगों के दरमियान ना जाने किस मुश्किल में होगी। हाँ, हो सकता है वो उस पे सख्त जुल्म कर रहे हो और उसे पिछले सीजन के माल्टे और आम खिलाते हो। आका, वो तो बहुत खुश नजर आ रही थी। ओह भाई, तुम्हें किस तरह पता है? तुमने उससे को बात की है? आका, उससे कैसे जाके बात करूंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा मैं उसको? यही 2 फुटा मुंह और कौन सा मुंह? उसको कैसे कहूंगा कि उससे मोहब्बत में नाकामी के बावजूद मैं अभी तक बेशर्मों की तरह जिंदा हूँ? वो कौन सी शर्म से मर गई है? एग्जैक्टली। तुम्हें चाहिए कि तुम जाके उसे उनके अड्डे से छुड़ा के लाओ। तुम्हारी मोहब्बत उन लोगों के कब्जे में है जामन। और तुम अपनी मोहब्बत को दोबारा खोना तो नहीं चाहोगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा आका। तो फिर वैसा होने दे। ओ भाई, टेंपो खराब ना करो, तुम ऐसा नहीं होने दोगे। ना सिर्फ ये तुम्हारी मोहब्बत का तकाजा है, बल्कि तुम्हारे आका का हुक्म भी है। जो हुक्म आका, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। वेरी गुड जामन। वैसे आजकल जामन सीजन में भी है। आका, मैं सोचता हूं कि परी परवीन किस हाल में होगी, क्या कर रही होगी वो। परी परवीन, आप यहाँ पे अकेली? जी, वो सब अपने अपने कामों में मसरूफ थे इसीलिए। तो मुझे बता देना था ना। क्यों? क्योंकि आप बिल्कुल फारिग हैं। हाँ, मगर आपको कैसे पता? What I mean is that कि आज एक्चुअली मेरे पास कोई काम नहीं था करने का। अच्छा। वैसे परी परवीन, आप इतनी अफसरदा क्यों? आपको तो खुश होना चाहिए, आप उस अंगूठी से निकल कर आज बाहर है मेरे साथ। वो तो है, लेकिन ऐसी आजादी का क्या फायदा जहाँ जामन ना हो। आप जामन को छोड़े और इस करेले को देखें। जी? नहीं नहीं, आई मीन आप मुझे अकेले को देखें। पता है परी परवीन, नहीं तो मुझे बहुत बुरी तो करनी। आज से बहुत साल पहले मैं भी एक मिशन पर गया था, मुझे भी मोहब्बत हुई थी। जिन से? जिन से नहीं, एक बहुत हसीन लड़की से। मगर वो एक रशियन एजेंट थी और मैं एक ब्रिटिश। हमारी एजेंसीज की पॉलिसीज की वजह से हमारी मोहब्बत का कत्ल कर दिया गया। वरना 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 क्या? वरना आज हमारी शादी होती और हमारा एक बच्चा होता। हमने तो उसका नाम भी सोच लिया था परी। कौन सा नाम? गॉर्बचोव बॉन्ड। मगर आप इन बातों को छोड़ो, मेरी मोहब्बत मर गई, खत्म हो गई, फिर भी मैं जिंदा हूं, जी रहा हूं, खुश हूं। पता है क्यों? क्योंकि द शो मस्ट गो ऑन एवरी मंडे 7:30 ओनली ऑन इंडस फिल्म। आपका दिल कितना बड़ा है। ट्रैक्टर ट्यूब से भी बड़ा है और एक स्टपनी भी है। मगर आप इन बातों को छोड़े और गौर से मेरी आंखों में देखें, गौर से, थोड़ा सा और गौर से, और बताएं आपको क्या नजर आता है। डेले। हाँ, पीले पीले डेले। लगता है आपको जॉन्डिस है। मुझे जॉन्डिस नहीं, मोहब्बत है आपसे। क्या? आपका दिमाग तो ठीक है, आपको पता नहीं मैं किसी से मोहब्बत करती हूँ, और आप पागल हो गए। सुनिए परी, सुनिए। ग्रेट न्यूज, यानी कि अब उस घर से भी उस तावीज का असर खत्म हो चुका है। जी मेरे आका, परी परवीन के आते ही उस घर से तावीज का असर जायल हो चुका है। यानी कि अब आप उन दोनों को पकड़ सकते हैं। पकड़ ही नहीं, अब हम उन दोनों को तहस नहस भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली। जब से उन लोगों ने मेरी परी परवीन को अपने कब्जे में किया है, मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं उनको कच्चा चबा जाऊं। ओह, दैट्स द स्पिरिट। भाई, ये वाला जिन चाहिए मुझे। अब लग रहा है ना जिन, अब तुम जिन लग रहे हो। आका, जिन तो मैं आपको उस वक्त लगूंगा जब मैं जटन बॉन्ड को आपके कदमों में जाकर डाल दूंगा। कदमों में?
सर आपकी सॉक्स में फ्रेश। ओह भाई गलत ड्रामेटिक मोमेंट है, जोक नहीं मारते जाओ। तो मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम जाओ और जट एंड बॉन्ड को पकड़ के लाके मेरे कदमों में फेंक दो। जाओ। जो हुक्म मेरे आका। जाओ यार, जाना। ओ माँ खाना दे दे। ओहो अभी बना लेती हूँ खाना, तुझे हर वक्त भूख की पड़ी रहती है। क्या बात है, आज आप बड़े चुप है। अभी अभी बेइज्जती जो हुई है इसलिए मूड जरा साइलेंट है। कभी तो हुआ। अब ऐसी भी कोई बात। बाप बाबा बाप बाप। ओ जी ये बाबा कहाँ से याद आ गए। ओ हाँ बाबा, जान कहना चाह रहे हैं। जान कहना नहीं, बचाना चाह रहा हूँ। जिन। ओ बॉन्ड वो जिन नहीं है, वो परी है। मगर वो जिन है। ओ ये कैसे आ गया माँ। तावीज। खत्म हो गया उसका असर, अब मेरी बारी है बुढ़िया। अगर तू जिन ना होता ना फिर मैं तुझे बताता। तो बता ना। यही कि मेरी माँ ने मना की कि लड़ाई नहीं करनी। और मेरी माँ ने जिन दे के घर रहने से मना किया, मैं तो निकला। ये मेरे से भागा क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि अब भागने का वक्त नहीं है। ओ जी एक तो आप जिन ने और ऊपर से आप हमें भागने का मौका भी नहीं दे रहे। खेलूंगा तो मैं तुम दोनों की जिंदगियों के साथ, और वो भी डॉक्टर इविल के सामने। मरने के लिए तैयार हो जाओ। उससे पहले मेरी लाश गुजरना होगा मकार जिन। कौन है बदतमीज? जामन तुम? परी परवीन तुम?